हेलो एवरीवन दिस इज एलेक्स एलिक वेलकम टू नॉलेज द एंबिशन स्वागत है आपका नॉलेज द एंबिशन पर तो यह हमारा हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक असिस्टेंट मैनेज मैनेजर के रिगार्डिंग तीसरा मॉक टेस्ट आई होप आपने इससे पहले के दो मॉक टेस्ट देख लिए होंगे तो अगर आपने नहीं देखे तो वीडियो सेक्शन में जाके आप उन्हें अटेंड कर सकते हो और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो आप तक रेगुलरली पहुंचते रहे तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स रिजर्व बैंक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड वॉज फाउंड तो रिजर्व बैंक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड शॉर्ट नेम है आपका इसका रैबिट तो ये कब फाउंड किया गया था आपको बताना है कब ये फाउंड किया गया था 2013 में 2014 में 2015 में या 2016 में अगर आपको इसका आंसर आता है तो अभी वीडियो को आप पॉज कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए तो इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं यहाँ पर जो आपका रैबिट है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है ये फाउंड किया गया था आपका 2016 में ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट right आंसर है 2016 में ये रैबिट जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप द रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड टू टेक केयर ऑफ इट्स आई टी रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग द साइबर सिक्योरिटी नीड्स ऑफ द बैंक एंड इट्स रेगुलेटेड एंटिटीज तो इसके लिए जो है आपका रैबिट ये इंट्रोड्यूस किया गया था आर बी आई के द्वारा दो हज़ार सोलह में तो आपको याद रखना है और बात करें इसके हेडक्वार्टर की आपको इसका हेडक्वार्टर भी पता होना चाहिए अब हम रैबिट की बात कर रहे हैं तो रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इट इज़ अ सब्सिडा ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज़ इंफॉर्मेशन इज अ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज कंपनी हैज हैडक्वार्टर इन नवी मुंबई महाराष्ट्र इंडिया तो नवी मुंबई मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है ये आपकी एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज कंपनी है जो कि आर की सब्सिडायरी है तो आपको ये पता होना चाहिए और प्रेजेंट जॉब के बात करें जो इस सब्सिडायरी की रिजर्व बैंक की सब्सिडायरी की रैबिट की तो इसमें आपके ट्वेंटी और इट वाज फाउंड इन टू थाउजेंड सिक्सटीन रेबिड आपको पता होना चाहिए टू थाउजेंड सिक्सटीन में फाउंड किया गया था एंड इट इज अ अब्सिडायरी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्पेशलाइज द इन साइबर सिक्योरिटी तो साइबर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इस ये श, इसकी शुरुआत की गई है आर द्वारा तो आपको ये सभी डिटेल्स इसके बारे में पता होनी चाहिए इस वीडियो का पी आपको व्हाट्सएप ग्रुप या हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है ए एल एम इज कंसर्न विद स्ट्रेटर्जिक बैलेंस शीट मैनेजमेंट इन्वॉल्विंग ऑल मार्केट रिस्क यहाँ पर आपको ए एल एम के बारे में बताया गया कि आपका ए एल एम जो है आपका कंसर्न है किसके साथ स्ट्रैटिक बैलेंस शीट मैनेजमेंट इन्वॉल्विंग ऑल मार्केट रिस्क तो आपको बताना है कि जो ए एल एम में एम है वो आपका क्या डिनोट करता है एम इन ए एल एम स्टैंड फॉर वाट मार्केट मैनेजमेंट मेचोरिटी एंड मेंटेनेंस तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर टू यानी मैनेजमेंट यहाँ पर आपको ए एल एम की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए तो ए एल एम की फुल फॉर्म बनती है आपकी एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट यानी इसका जो एम है एम डिनोट करता है मैनेजमेंट को आपको इसकी फुल फॉर्म पता होगी तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से दे पाओगे और ये आपका ए एल एम है क्या वट इज ए एल एम इट इज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ पीपल टूल्स एंड प्रोसेस दैट सुपरवाइज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर्म इट्स इनिशियल प्लानिंग थ्रू रिटायरमेंट बाय बाई द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एन एप्लीकेशन लाइफ साइकिल ए एल एम इम्प्रूवस द प्रोडक्ट क्वालिटी ऑप्टिमाइज प्रोडक्टिविटी एंड इज इज द मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रोडक्ट्स तो ए एल एम स्टैंड आपका करता है जो आपका एप्लीकेशन एप्लीकेशन साइकिल्स एलिमेंट ऑफ एप्लीकेशन साइकिल्स है उन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए एल एम इम्प्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी ऑप्टिमाइज प्रोडक्टिविटी एंड इज इज प्रोडक्ट्स को जो है आसान बनाता है तो एल एम आपको फुल फॉर्म इसकी याद रखनी है एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट एम डिनोट करता आपका two, right है Next, आपका मैनेजमेंट को ऑप्शन नंबर टू इसका राइट आंसर है नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थ्री पूछा गया कि विच टाइप ऑफ बैंकिंग इंश्योर डायरेक्ट ट्रांजेक्शन बिटवीन बैंक एंड इट्स कंज्यूमर उट इंटरवेंशन ऑफ एनी थर्ड पार्टी रिटेल बैंकिंग ऑनलाइन बैंकिंग मर्चेंट बैंकिंग या ऑफ शो बैंकिंग इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर वन यानी रिटेल बैंकिंग अब जो आपका डायरेक्ट ट्रांजेक्शन डायरेक्ट ट्रांजेक्शन बिटवीन बैंक एंड इट्स कंज्यूमर विदाउट इंटरवेंशन ऑफ एनी थर्ड पार्टी तो ये आपका केवल रिटेल बैंकिंग में होता है जहाँ पर रिटेल बैंकिंग में होता यूँ है कि आपका बैंक जो है वो डायरेक्ट कंज्यूमर को जो है आपका सर्विस प्रोवाइड करवाता है इसमें किसी भी थर्ड पार्टी का जो है आपका इंटरवेंशन नहीं होता है और बात करें आपके ऑनलाइन बैंकिंग की तो ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में आप जानते ही होंगे ऑनलाइन बैंकिंग में जो है थर्ड पार्टी आपकी इंक्लूड होती है जैसे कि आपकी फाइनेंशियल वेबसाइट्स होगी वेबसाइट्स आपकी एज अ थर्ड पार्टी यहां पर इंटरवेंट कर जाती है मर्चेंट और बैंक के बीच में और मर्चेंट बैंकिंग में जो आपका मर्चेंट बैंकिंग का प्रोसेस है तो मर्चेंट बैंकिंग को हम जान लेते हैं मर्चेंट बैंकिंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बैंकिंग विथ कंसल्टेंसी सर्विसेज अब कंसल्टेंट यहाँ पर आ जाते हैं कंसल्टेंट आपके क्लाइंट्स को फाइनेंशियल मार्केटिंग मार्जिनल एंड लीगल मैटर्स में एडवाइस प्रोवाइड कराते हैं तो यहाँ पर भी आपके थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन हो जाता है और बैंकिंग तो ऑफ बैंकिंग तो आपकी जो जो आपकी बैंक्स होते हैं वो आउटसाइडर होते हैं कंट्री के आउटसाइडर होते हैं यानी जो आपका रेजिडेंस ऑफ द डिपॉजिटर जो आपका डिपॉजिटर का होता है वो आउटसाइड द कंट्री होता है तो वो बैंकिंग में आता है तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन से uh, से स्टेटमेंट क्लियर होगा कि जो आपका डायरेक्ट ट्रांजेक्शन बिटवीन बैंक एंड इट्स कंज्यूमर होता है विदाउट इंटरवेंशन ऑफ एनी थर्ड पार्टी तो वो केवल रिटेल बैंकिंग में होता है ऑप्शन नंबर वन इसका राइट right आंसर है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर फोर पूछा गया द लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इज हाउ मेनी डिजिट कोड डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन तो आपको बताना है कि जो आपका लीगल आइडेंटिफायर है लीगल आइडेंटिफायर ये आपका कोड दिया जाता है आपको बताना है कि कितने डिजिट का कोड है जो कि डेवलप किया जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा क्वेश्चन आपसे घुमाकर भी पूछ लिया जा सकता है कि जो आपका लीगल ट्वेंटी ऑप्शन नंबर टू इसका राइट आंसर है यहाँ पर ट्वेंटी डिजिट का ये आपका लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर होता है ऑप्शन नंबर टू इसका राइट आंसर है क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि जो आपका ट्वेंटी डिजिट लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कोड होता है वो किसके द्वारा डेवलप किया जाता है तो आपको याद रखना है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा जो है ये आपका डेवलप किया जाता है और ये ट्वेंटी डिजिट का कोड होता है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर तो आपको ये पता होना चाहिए अब लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर जैसा कि नाम से ही आपका क्लियर है लीगल आइडेंटिटी आइडेंटिफायर कोड इज़ कंसीव्ड एज अ की मेजर टू इंप्रूव द क्वालिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ़ द फाइनेंशियल डाटा सिस्टम फॉर द बेटर रिस्क मैनेजमेंट पोस्ट द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और ये ट्वेंटी डिजिट का यूनिक कोड होता है टू आइडेंटिफाई द पार्टीज और टू द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वर्ल्ड वाइड जो वर्ल्ड वाइड आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है उन पार्टीज को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है ये ट्वेंटी डिजिट का लीगल एंटिटी आइडेंटिफाई कोड जो है आपका डेवलप किया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा जो है ये डेवलप किया जाता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर फाइव पूछा गया कि इन केस ऑफ इंक्रीज इन इन्फ्लेशन द परचेजिंग पावर डैश यदि आपकी इन्फ्लेशन जो आपका इंक्रीज होता है तो परचेजिंग पावर पर क्या इफेक्ट पड़ता है इंक्रीजेस घट जाती है इंक्रीजेज टू अ सर्टेन लिमिट एक सर्टेन लिमिट तक बढ़ती है अब इंक्रीजेज सॉरी आपकी बढ़ जाती है ऑप्शन नंबर वन है इंक्रीजेज यानी बढ़ जाती है परचेजिंग पावर ऑप्शन नंबर टू है इंक्रीजेज टू अ सर्टेन लिमिट एंड देन डिक्रीजेज यानी एक सर्टेन लिमिट तक बढ़ती है फिर आपकी घट जाती है uh, परचेजिंग पावर और डिक्रीजेस डिक्रीजेस घट जाती है डज नॉट गेट अफेक्टेड या इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है तो आपको पता होना चाहिए जब आपका इन्फ्लेशन में इंक्रीज हो जाता है इन्फ्लेशन in, में इंक्रीज का मतलब है कि जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट uh, को काफी इफेक्ट uh, काफी आपका uh, प्रभाव करता है आपका काफ़ी मात्रा में बढ़ा देता है ये इन्फ्लेशन इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन होता है कि एज अ इन्फ्लेशन राइज इन एडिशन टू अ बिजनेस बींग फोर्स टू राइज द प्राइजिस जो आपके जो आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है जब तो आपके बिजनेसिस को जो आपके व्यापार है उन्हें फोर्स किया जाता है उनके प्राइजेस को बढ़ाने के लिए बैंक को फोर्स किया जाता है उनके इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए टू मेंटेन आपके प्रॉफिट मार्जिन और हाई रेट्स को मेंटेन करने के लिए जो है आपके व्यापार और जो आपके बैंक हैं उन्हें अपने प्राइस बढ़ाने के लिए फोर्स किया जाता है ताकि जो है आपका प्रॉफिट मार्जिन और हाई रेट्स को मेंटेन किया जा सके इससे होता यह है कि जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट है काफ़ी बढ़ जाता है और ओवरऑल इकोनॉमी जो है आपकी काफ़ी हार्म होती है काफ़ी डिक्रीज में जाती है तो यहाँ पर आपका यहाँ पर आप इस कंसेप्ट से अंदाज़ा लगा सकते हो कि यदि आपकी इकोनॉमी हार्म कर रही है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो आपका जो ऑटोमेटिकली परचेजिंग पावर है परचेजिंग पावर ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी जब हमारी इकोनॉमी की इकोनॉमिक uh, का जो ग्रोथ रेट है वो कम आएगा स्लो uh, चलेगा तो आपका परचेजिंग पावर जो है ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होती जाएगी ऑप्शन नंबर थ्री इसका राइट right आंसर है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स पूछा गया कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईएमआई फ्रीक्वेंटली इन इन टर्म्स बैंकिंग आई आपको बताना है कि ईएमआई का फुल फॉर्म क्या है आपको ये फ्रीक्वेंटली यूज की जाती है बैंकिंग टर्म में तो आपको बताना है ईएमआई का फुल फॉर्म क्या है इक्वल मंथली इंटरेस्ट इक्वल मनी इंस्टॉलमेंट इक्वेटेड मनी इंस्टॉलमेंट या इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फोर यानी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट ईएमआई का फुल फॉर्म है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट अब ईएमआई और इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट इज अ अ फिक्स्ड पेमेंट अमाउंट मेड बाय टू अ अमाउंटर एक जो आपका लैंडर एज अ बैंक देखा जाता है एक इंस्टीट्यूट देखा जाता है मेनली बैंक ही होता है जब बैंक एक बोर बैंक को एक स्पेसिफाइड डेट पर जो है आपका एक फिक्स्ड डिपॉजिट uh, करता है आपके लोन के अगेंस्ट यानी लोन को चुकाने के लिए फिक्स डिपॉजिट करता है तो वो आपका ईएमआई कहलाता है और इसकी फुल फॉर्म है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट तो आपको ये याद रखना है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेवन पूछा गया कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको एक क्वेश्चन का आंसर पता ही होना चाहिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ऑप्शन है आपके सर जेम्स टेलर सर विंसेंट अयर सर ऑब्सोन स्मिथ या फिर आपके रिग्नाल्ड मैकडोनाल्ड तो इसका राइट आंसर आपका सर ओब्सबोन स्मिथ जैसा कि आपको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है आपका इंडिपेंडेंस से पहले ही ब्रिटिश इंडिया में स्टेब्लिश कर दिया गया था कलकत्ता में तो इसके जो फर्स्ट गवर्नर थे वो कौन थे सर ओब्सबोन सॉरी ऑसबोन स्मिथ थे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर सर ऑसबोन स्मिथ जो थे फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थे अब इनके बारे में आपको पता होना चाहिए जो आपके सर ऑसबोन स्मिथ थे वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोफेशनल बैंकर एक प्रोफेशनल बैंकर थेल्स बैंक में इन्होंने ट्वेंटी ईयर सर्व किया बाद में इन्होंने दस साल के लिए कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया में सर्व किया बिफोर कमिंग टू इंडिया नाइनटीन ट्वेंटी सिक्स तो इंडिया में आने से पहले ये मैनेजिंग जॉब के मैनेजिंग गवर्नर ऑफ द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया तो इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग गवर्नर थे <coughs> और इसी के साथ ये फर्स्ट गवर्नर सॉरी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक थे तो आपको इनका नाम याद रखना है सर ऑसबोर्न स्मिथ नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर एट पूछा गया कि इन विच ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस चेक ट्रांक्शन सिस्टम जो आपका चेक ट्रांक्शन सिस्टम है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कब इंट्रोड्यूस किया था 2008 में 2009 में 2010 में, में या 2011 में तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 2008 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है आपका चेक ट्रांक्शन सिस्टम यानी सी टी एस सिस्टम इसे हम बोलते हैं जो सी टी एस सिस्टम है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 2008 में ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है अब बात करें कमेंसमेंट की तो जो आपका ये सी टी एस ट्रांस सिस्टम है इज़ अ इमेज बेस्ड क्लियरिंग सिस्टम इन इंडिया इज अ प्रोटेक्शन सॉरी प्रोजेक्ट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमेंस इन 2010 तो कमेंस हुआ था 2010 में और स्टार्टिंग इसकी हो गई थी आपकी फर्स्ट फेबर टू को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जब फर्स्ट इंप्लीमेंटेड सीटी 2008 तक डिसाइड की गई थी तो आपको याद रखना है फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था 1st थाउजेंड 2008 में, 1st 2008 में और की बात करें तो थाउजेंड हुआ था 2010 में अभी आपका चेक ट्रांक्शन सिस्टम होता क्या है इसमें आपका जो आपके बैंक के चेक्स होते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिकली जो है आइडेंटिफिफाई किया जाता है अब इससे जो इस प्रोजेक्ट को क्यों लाया गया जो क्योंकि जो आपका प्रोजेक्ट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमेंट इन 2010 फॉर द फास्टर क्लियरिंग ऑफ द चेक्स क्योंकि चेक्स के क्लियरेशन में जो है काफ़ी वक्त लग जाता है जब आपका ये आपका मैनुअली होता है तो काफ़ी वक्त लग जाता है इसी के लिए सी टी एस सिस्टम ये लाया गया इंट्रोड्यूस किया गया आर बी आई के द्वारा ताकि इलेक्ट्रॉनिकली जो है इन चेक्स को इमेज एंड मैग्नेटिक इन करेक्टर रिकोगनाइजेशन से जो है आपका कैप्चर किया जा सके और कलेक्ट किया जा सके तो इसीलिए जो है आर बी आई ने ये आपका प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया था टू थाउजेंड एट में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर नाइन पूछा गया कि व्हाट इज इंडियाज रैंक इन यूएन एथ वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 थाउजेंड ट्वेंटी विच कम्प्राइजेज ऑफ वन कंट्रीज तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप डेली बेसिस पर करंट नॉलेज एम्बिशन के करंट अफेयर सेशन में जोड़ते हो तो आपको पहले ही पता होगा क्योंकि ये सभी जो आपके हम क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड आपके डेली सेशन में डिस्कस कर चुके हैं आपको बताना है कि इंडिया की रैंक क्या है जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट टू आई है इसमें इंडिया की रैंक क्या है अब पहले आपको याद रखना है कि जो आपकी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 ये आपके निकाली किसके द्वारा जाती है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये आपकी रिलीज की जाती है ये एट नंबर की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट थी 2020 में टू मेजर द हैप्पीनेस ऑफ द पीपल ऑफ 156 कंट्रीज वेर इंडिया रैंक्स वन पोजीशन एंड फिनलैंड टॉप्स द थर्ड टाइम अब इंडिया की रैंक क्या रही है आपकी वन फोर्टी फोर्थ रही है ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर है और टॉप आपको याद रखना है टॉप कंट्री कौन सी रही है फिनलैंड रही है और इसी समय 2020 में जो है फर्स्ट टाइम द रिपोर्ट रैंक सिटीज अराउंड द वर्ल्ड जो आपकी सिटीज़ की रैंक भी निकाली गई है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा हैप्पीनेस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी में जो आपकी है उनकी भी रिपोर्ट निकाली डेहली तो uh, है, है, है उसमें आती है आपकी डेहली तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर टेन पूछा गया कि नेम द इंडियन स्टेट विच साइंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद नीदरलैंड कंपनी फ्लाइंग कार मेकर पीएलवी टू सेटअप द मैनुफैक्चरिंग प्लांट इन स्टेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए आपको उस इंडियन स्टेट का नाम बताना है जिसने की आपका एक ज्ञापन समझौता मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग साइन किया है नीदरलैंड की एक कंपनी फ्लाइंग कार पी ए एल वी के साथ जो कि आपका मैनुफैक्चरिंग प्लांट आपका स्टार्ट करेगी स्टेट में तो ये किया गया है आपका गुजरात सरकार के द्वारा ऑप्शन नंबर टू इसका राइट आंसर आपको याद रखना है गुजरात सरकार के द्वारा फ्लाइंग कार मेकर पी ए एल वी जो आपका पर्सनल एयरलाइन व्हीकल पर्सनल एयर लैंड व्हीकल जो आपकी कंपनी है ये नीदरलैंड की है विल सेटअप अ मैनुफैक्चरिंग प्लांट इन गुजरात एक मैनुफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेगी गुजरात में एंड मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग वॉज साइन इन द प्रेजेंस ऑफ द गुजरात चीफ मिनिस्टर विजय विजय रूपानी बिटवीन स्टेट इंडस्ट्रीज प्रिंसिपल सेक्रेटरी एम के दास एंड कार्ल्स जो आपके कार मसबूमल हैं इनके दो इनके साथ मिलकर जो है आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द पीएलवीएस इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट जो आपका पीएएल जो आपका पर्सनल एयरलाइन व्हीकल ये नीदरलैंड की कंपनी है इसके वाइस प्रेसिडेंट के साथ मिलकर जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है गुजरात सरकार ने टू टू सेटअप अप मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट इन गुजरात तो ये फर्स्ट टाइम हो रहा है आपको इसके बारे में पता होना चाहिए द डच कार कंपनी डीट अप द फर्म फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया एंड हैज सेट अ टेटिंग प्रोडक्शन बाई टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन का जो है ये आपका टारगेट सेट किया गया है कि जो आपका प्रोडक्शन है यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में तो ये थे हमारे आज के कुछ मॉक टेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होंगे आपको कुछ यहाँ से सीखने को मिला होगा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो भी आपके फ्रेंड्स जो भी आपके हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव असिस्टेंट मैनेजर की तैयारी करें तो उन्हें जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी एज अ प्रैक्टिस वो इन मॉक टेस्ट को अटेंड कर सकें तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर